Hey guys, what's up? I hope you all are well. So welcome back to Calisthenics India. Today we're gonna talk about how to do push-ups for beginners. अगर आप अपना एक भी पुशअप अभी तक अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि आपको मैं इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताऊंगा कि आप इसके अंदर अपना पहला पुशअप कैसे अचीव कर सकते हैं, और वो भी थोड़े ही टाइम में. सो सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, और मेरी पहली वीडियोस को चेकआउट भी करें इस वीडियो के बाद. और मैं टेरेस पे जा रहा हूँ, चलो मिलते हैं. तो हम पहुंच चुके हैं अपनी छत पे, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है. एंड टू रिमाइंड यू, ये एक बिगिनर सीरीज है जो कि इसके अंदर दो तीन चार वीडियोस बनेंगी, तो आपको वो सारी परफॉर्म करनी है. क्योंकि अगर आप कैलिस्थेनिक स्टार्ट करना चाहते हैं और अगर आप जिम भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है. अगर आप जिम जाएंगे तो आपको एक महीना पहले यही कराएंगे, क्योंकि आप ये तो कर नहीं पाएंगे, तो आप बॉडी वेट नहीं कर पाएंगे, तो आपको वेट कैसे उठवाएंगे वो. तो इसलिए आपको ट्राई करना है कि आप एक महीना पहले यही ट्राई करें, फिर आप नेक्स्ट पे पहुँचें या जिम जाएँ या कैलिस्थेनिक स्टार्ट करें. तो आपके लिए बेसिक एक्सरसाइज है, तो पहले इसे स्टार्ट जरूर करें. सो अभी हमें अपने नी पुशअप्स करने हैं. सो हमारी पहली एक्सरसाइज नी पुशअप ही होने वाली है. सो अब हमें करना क्या है, हमें पुशअप पोजीशन में ही रहना है और अपने नीज डाउन कर लेने हैं. तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ वैसे ही करना है. यू हैव टू बी इन योर पुशअप पोजीशन एंड देन आपको अपने नीज डाउन कर लेने हैं, और आपको अपना जो स्कैपुला है वो प्रोट्रैक्टेड रखना है, रिट्रैक्टेड नहीं रखना है, ऐसे एकदम प्रोट्रैक्टेड रखना है, और आपको देन पुशअप्स लगाने हैं. एंड इफ़ यू कांट डू दिस, सो अब आपको, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप इसका थोड़ा लेवल अप कर सकते हैं, जैसे वहाँ से इंक्लाइन कर सकते हैं थोड़ा. सो अगर आपसे ये भी नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. अब मतलब जैसे आप इसको बहुत ट्राई करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसके रिप्स निकालने की कोशिश करें, फिर जब आपसे ये होना स्टार्ट हो जाए तो आप एक दीवार के सहारे अपनी दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ आपको ये ऐसे करनी है. तो इसमें आपका जो लेवल है वो थोड़ा अप हो जाएगा और थोड़ा हार्डर हो जाएगा. जैसे आप वो कर के आएंगे तो आपको ये थोड़ा मच डिफ़िकल्ट लगेगा. तो अब आपको जब आप ये अच्छे से परफॉर्म करने लग जाएं, कम से कम 20 के राउंड रेप्स निकलने स्टार्ट हो जाएं, तो आप अगली एक्सरसाइज पे आ सकते हैं. तो अब आपको मैं बताता हूँ अगली एक्सरसाइज कौन सी है आपकी. अगली एक्सरसाइज है आपकी नेगेटिव्स, आपको पुशअप के नेगेटिव्स परफॉर्म करने हैं. तो जैसे अभी आप देखिए, तो आपको वैसे ही पुशअप्स करने हैं, बट इस बार आपको एम पोजीशन में आना है आपको, फिर आपको नीचे होना है, फिर आप नीचे से उठ के फिर नेगेटिव करें.
अगर आपसे थोड़ा होल्ड हो नीचे जाके, तो आप होल्ड करने का ट्राई करें, उससे आपकी जो हाथों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो आप नीचे जाके होल्ड ज़रूर करें। सो आपको ऐसी ही ये वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। अगर आपसे प्लैंक की पोजीशन में रख के पुशअप नहीं हो रहे, तो आप इसको भी नी के उस फॉर्म में कर सकते हैं। सो आपको ये वाली एक्सरसाइज ऐसे परफॉर्म करनी है। तो आप बहुत बिगिनर्स जो होते हैं वो एक मिस्टेक ज़रूर करते हैं, जो उनके हाथ होते हैं वो बहुत वाइडर होते हैं, तो आपको अपने हाथ वाइडन नहीं करने, नहीं एकदम 60 डिग्री के एंगल पे रखने हैं। बहुत लोग 90 डिग्री पे रखते हैं, तो उन्हें 90 डिग्री पे नहीं रखने। कुछ लोग ऐसे परफॉर्म करते हैं, तो ये हो गई आपकी गलत फॉर्म। जो आपको सही फॉर्म है आपको ये रखनी है। सो अब जो मैंने जो जो आपको एक्सरसाइज बताई है वो आपको ट्राई ज़रूर करनी है। आप जिम जा रहे हैं तो आप कर लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे ही बचेंगे थोड़े जाके, ठीक है। और कैलिस्थेनिक्स कर रहे हैं तो आपकी सारे वर्कआउट घर पे ही होते हैं, तो आपके लिए तो और बेस्ट है। तो अब ये वाले सारे जितने भी एक्सरसाइज मैंने बताई हैं आप उसको परफॉर्म करें। जब तक आपसे पुशअप पूरे नहीं लगते, तो आप ये वाले सारे एक्सरसाइज को फॉलो करके उसे अचीव करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आप कितने टाइम में पुशअप कर पा रहे हैं। अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये सारी एक्सरसाइज कैसी लगी, तो मुझे और अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिलेगी, तो आपके लिए ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। सो जैसे मैं आपको मोटिवेशन दे रहा हूँ करने की, आप भी मुझे मोटिवेशन दें थोड़ी सी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं, तब तक स्टे सेफ, स्टे होम।